तो इस वक्त की आप सभी को बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। 46% डीए डीआर, जी हाँ, इस वक्त की आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रहा है। 3100 रुपये में जो है धान खरीदी, किसान न्याय योजना की जो है चौथी किस्त की राशि, या फिर बेरोजगारी भत्ता क्या होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से हमें बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो इलेक्शंस के समय, जो चुनाव के समय 2023 सभी विधानसभा का चुनाव हुआ दिसंबर में, 3 दिसंबर को रिजल्ट आया, मतगणना हुआ और बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की। तो अब छत्तीसगढ़ के सभी किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो सभी किसान यही सोच रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ने जो हम लोगों से जो वादे किए थे 3100 रुपये में धान खरीदी की, आखिरकार उन सभी वादों को कब पूरा करेंगे, किस तरह से पूरा करेंगे। अभी तक के बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा अपने किए हुए वादों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पूरे नहीं किए जा रहे हैं, तो आखिरकार किस तरह से होंगे, किस तरह से सभी चीजें सही से जो है लागू हो पाएगा, किस तरह से सभी चीजें सही से ठीक हो पाएगा। और किसान न्याय योजना के तहत जो चौथी किस्त की राशि है, किसान न्याय योजना के तहत जो चौथी किस्त के बोनस की राशि है, जो चौथी किस्त के बोनस का पेमेंट है, आखिरकार कब हमारे बैंक अकाउंट में पैसों की राशि जो है ट्रांसफर होगा, किस तरह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसों की राशि जो है मिल पाएगा, और बेरोजगारी भत्ता हमें कब से मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होगा छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के मन में, बहुत सारे डाउट जो है चल रहा होगा। तो आपके सभी डाउट्स मैं इस वीडियो में जो है क्लियर करने वाला हूँ। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो 3100 रुपये जो है, जहाँ तक धान खरीदी की बात हो, वही 3100 रुपये में जो है धान खरीदी की राशि भी आप सभी के बैंक अकाउंट में कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय का इंतजार आपको करना है, फिर आप सभी के बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है पैसों की राशि, आप सभी के बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है पैसों की राशि जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी अपडेट होते हैं, जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र हैं, जितने भी मैनिफेस्टो हैं जो आप सभी के लिए निकल कर आते हैं, जितने भी चीजें जो आप सभी के लिए अपडेट निकाले जाते हैं, वो हर महीने में, हर एक महीने में जो है सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण आप सभी को जो है देखने को मिल पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र निकाले जाते हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक घोषणा पत्र, वो हर एक चीजें आप सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जो है, सबसे ज्यादा मायने आप सभी को जो है देखने को मिल पाते हैं। तो 46% डीएडीआर, 3100 रुपये में जो है धान खरीदे, और किसान न्याय योजना के तहत जो चौथी किस्त की राशि है, जो चौथी किस्त के बोनस का पेमेंट है, आखिरकार कब हमारे बैंक अकाउंट में जो है मिल पाएगा, किस तरह से मिल पाएगा, किस तरह से पैसों की राशि जो है ट्रांसफर होगा, इन सभी चीजों के बारे में जो है सोचते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी परेशानी या किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत या किसी भी तरह से तकलीफों का सामना करना नहीं पड़ेगा। चाहे बेरोजगारी भत्ता की ही बात कर लिया जाए, जो 2500 रुपये जो है छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने जो पैसों की राशि जो है ट्रांसफर किए जाएंगे, वो 2500 रुपये की राशि जो है बहुत ही जल्द आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है पूरे के पूरे जो है हर महीने जो है आप सभी को 2500 रुपये की राशि जो है ट्रांसफर होने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी आपको जो है देखने को मिल पाता है। और छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को किसान न्याय योजना के तहत जो चौथी किस्त की राशि है, जो बेरोजगारी भत्ता है, वो किस तरह से मिल पाता है, किस तरह से सही चीजें, सभी चीजें सही से ठीक हो पाता है, किस तरह से 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता में हर एक महीने मिल पाएगा, तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए और 2 साल का जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं और आपका रोजगार पंजीयन हो चुका है, तो आप जो है बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए बिल्कुल ही आप जो है पात्र हैं, और आपको जो है बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ भी बहुत ही अच्छे से जो है
आपको इस योजना का लाभ जो है मिल पाएगा और 3100 रुपए में जो है धान खरीदी होगा और किसान न्याय योजना के तहत आपको चौथी किस्त की राशि, किसान न्याय योजना के तहत आपको चौथी किस्त के बोनस की भी पेमेंट, बोनस की राशि भी आप सभी को जो है मिल पाएगा और 3100 रुपए में जो है धान खरीदी आप सभी के लिए जो है होने वाला है। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी अपडेट है, एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र है, जितने भी मैनिफेस्टो है, जितने भी अपडेट, जितने भी चीजें जो आप सभी के लिए निकल कर आते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक घोषणा पत्र आप सभी के लिए जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है देखने को आपको मिल पाता है। तो किसानों को जो चौथी किस्त की राशि का इंतजार है, किसानों को जो चौथी किस्त के बोनस के पेमेंट का इंतजार है, वो चौथी किस्त के बोनस का राशि, वो चौथी किस्त के बोनस का पेमेंट आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में कुछ ही दिनों में जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा, थोड़ा सा इंतजार अगर आप कर लेते हैं तो आपको फिर किसानों, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो चौथी किस्त की राशि है वो सभी मिल पाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि 3100 रुपये जो है धान खरीदी नहीं हो पा रहा है या चौथी किस्त की राशि हमें नहीं मिल पा रहा है और बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ हमें मिल पाएगा भी या फिर नहीं मिल पाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं कहता हूं कि ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा, फिर आप सभी छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को जो है 3100 रुपये में जो है धान खरीदी और बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ, सभी योजनाओं का लाभ जो है आप सभी को जो है मिल पाएगा। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक घोषणा पत्र आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है, वो हर एक घोषणा पत्र हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण आप सभी को जो है देखने को मिल पाता है। तो 46% DADR, 3100 रुपये में जो है धान खरीदी, किसान न्याय योजना चौथी किस्त और बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ भी आप सभी को मिल पाएगा। तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है निकल कर आ रहे हैं और 3100 रुपये में जो है धान खरीदी होगा, किसान न्याय योजना चौथी किस्त के भी राशि, चौथी किस्त के भी बोनस का पेमेंट आप सभी को फिर मिल पाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है निकल के आ रहा है। आई होप जितने भी जानकारी, जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी, सभी अपडेट आप सभी को पसंद आए। अगर जानकारी अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आया हो तो चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जो है आपको जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को आपको शेयर करना। जितना ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा सभी लोगों तक वीडियोस जो है पहुंच पाएगा, सभी लोगों तक वीडियोस जो है मिल पाएगा। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट